नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्मी कंपोस्ट जो छानने के बाद बचता है मट्टी, उसको मैं अपने फील्ड में किस तरह से उपयोग करूंगा उसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, जिसको आप भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य बात मैं बोलना चाहता हूं कि बर्मी कंपोस्ट जब हम छानते हैं तो छानने के बाद जो मटेरियल बचता है उसमें भी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता है, क्वालिटी सेम होती है। सभी जो 16 पोषक तत्व होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट में जितनी मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए उस मात्रा में अवेलेबल होते हैं वो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी ये भी बता देता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जो मैंने वर्मी कंपोस्ट का छनाई किया उस छने हुए वर्मी कंपोस्ट में से जो बाद वाला मटेरियल बचता है छानने के बाद, मैं उसको ही अपने फील्ड में उपयोग करता हूँ। आपने मेरा वेजिटेबल के फील्ड भी देखे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा ट्रॉली है, ये ट्रॉली में मेरा वर्मी कंपोस्ट ये भरा हुआ है। थोड़ा आप दिखा दीजिए इसको, ट्रॉली का व्यू। अब मैं इसको अपने फील्ड में ले जा करके उपयोग करूंगा। जैसा कि ये जो पैक करके ये मेरा सेल होता है सिटीज़ में, सिटी एरियाज में, नर्सरीज में या होटल्स में, जगह जगह पर इस तरह के ये उपयोग हो रहा है। लेकिन जो बचता है मटेरियल उसको मैं अपने फील्ड में उपयोग करता हूँ और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसको उपयोग कर पाता हूँ। और जो किसान भाई लोग हैं वो भी, क्योंकि उनको पैकिंग का ज़रूरत नहीं होता है, वो ट्रॉली में मेरे से ख़रीदते हैं, तो वो ट्रॉली में इस मटेरियल को लेकर जाते हैं, जिससे उनको ये सस्ता पड़ जाता है। क्योंकि पैकिंग का कम जो खर्च बचता है और छनाई का जो खर्च बचता है उसकी मैं कॉस्ट उनको कम कर देता हूँ उस रेट में, क्योंकि वो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। एक ट्रॉली में कम से कम 20 से 25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट जाता है, तो इस तरह से वो उपयोग करते रहते हैं। और ये अभी छनाई मटेरियल हो रहा है, तो आपको भी मेरा ये मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वर्मी कंपोस्ट छानने के बाद में क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आती है। ओनली फर्क सिर्फ इतना आता है, जो ये मटेरियल दिख रहा है ये छना हुआ मटेरियल है, तो ये इसका जो ये मटेरियल है इसमें दिखने में ये बहुत अच्छा है, लेकिन पोषक तत्व उसमें और इसमें दोनों में बराबर हैं। तो आप भी इस तरह से, जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बिगड़ छना हुआ अगर मुझसे लेते हैं तो वो मैं थोड़े कम रेट में आपको दे सकता हूँ, और आपको क्वांटिटी लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी।